अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज भाई हम अंदर आए हैं, बकरा दरवाजे में खड़ा है। हट जा भाई, ये पानी है मेरे हाथ में, रे देख के जो है ना आ गए इधर। अब आज ना मेरे साथ सुफियान है ना राफे है, कोई भी नहीं है, मुझे सब काम अकेले करने पड़ेंगे और ये बकरियां मुझे बहुत तंग करेंगी। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और ये आ गई। चलो चलो हटो 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 हटो, चलो बाहर चले जाओ, इनको बाहर निकाल देते हैं थोड़ी देर, कि उन्होंने मुझे बहुत तंग करना है वरना। ये देखें बाकी मुर्गियाँ बैठी हैं यहाँ पे, और जो अंदर है बतखें, अंदर हैं बतखें, अंदर किसने कर दी बतखें, अंदर हैं, इनको भी हम कर देते हैं। चल मैं बकरियाँ अंदर कर लूँ और बाकी सबको भी निकाल दूँ, फिर बतखों के पास चलते हैं। देखें किधर चली गई, बकरे को ही बुलाते हैं। चलो भाई चलो 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 अंदर चलो, आ जाओ, चलो 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 चलो, चल भाई चल भाई, काले चल। आजा 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 आजा, नहीं यार इसको कान से पकड़ना पड़ेगा। ये देखो, चलो भाई चलो 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 चलो, बकरी फिर निकल गई। यार ये तो अंदर नहीं जा रहे, इनको अंदर करते हैं। फाइनली हमने इनको अंदर कर लिया, अब हम अंदर जाते हैं, जाके इन्हें पानी पिलाते हैं। हट जा भाई, अभी यहाँ पे भी आ जाएंगे मेरे पीछे पीछे, ये बहुत तंग करते हैं। बच्चों को निकाल देते हैं, बच्चे आ जाए पहले, हम जाके इन्हें पानी पिलाते हैं। हट जाओ, बकरियां भी आ जाएंगी। चलो चलो तुम जाओ, सब बच्चे अभी सारी नहीं थी, दो बच्चे इधर आ गए। चलो भाई चलो 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 चलो, ये क्या, ये देखें जी यहाँ मिला एक डंडा, वो देखें बकरा यहाँ आ गया। बकरा हमने भगा दिया यहाँ, मुर्गियों ने अंडा देखें किधर दिया, पता नहीं मुर्गी का अंडा के बत्तख का। एक वाइट वाली मुर्गी है छोटी, वो मिल ही नहीं रही है सुबह से, पता नहीं कहाँ गई। खैर वो भी मिल जाएगी जल्दी, अभी हम पानी डाल देते हैं, सब अलग हो गया। यहाँ पे लाइट कम है बहुत, लाइट ज़्यादा फिर नहीं पड़ेगी। ये देखें ये तो बच्चे यहीं रह गई, इनको निकालना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ी सी लाइट लगा दें, बल्ब क्यों नहीं लग रहा भाई। ये तो लग ही नहीं रहा, मतलब लग जाए यार लग जाए, तो करके लगता है नीचे आता है फिर खराब हो जाता है। चलो खैर ही नहीं लग रहा है, हम बच्चों को पहले यहाँ से निकाल देते हैं ताकि वहाँ जाएं आराम से। ये देखें ये इनके इंतज़ार में आके खड़ी हो गई है, इसको बस इतना ही खोलते हैं ताकि बत्तखें आराम से निकल जाएं। बकरी फिर आ गई है, चलो भाई बत्तखो जाओ, निकलो भाई निकलो 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 जल्दी यहाँ से, यहाँ से यहाँ से जाओ। चलो
अब बाहर जाएंगे। चलो भाई चलो चलो चलो। बकरी सामने आ जाती है ना, अब जाएंगे बाहर आराम से। चलो चलो भाई चलो चलो चलो, निकलो जल्दी करो। किधर गई है? आखिर आ गई, निकलूंगा। फाइनली बत्तखें चली गई हैं वहाँ पर। अब हम अपने मुर्गियों को पानी पिलाते हैं। ये अंडा जो है ये मेरा ख्याल है मुर्गी का ही है, बत्तख का नहीं है। इस वाली मुर्गी को भी देख लेते हैं, ये बैठी हुई है सुबह से। इसका डब्बा चाचू ने उठाया नहीं है ऊपर से, मैं उठा देता हूँ। ये भी यहाँ बैठी है आराम से, खाना नहीं खाया इसने, खाना बहुत कम खाती है। बाकी हम डालते हैं पानी, डालते हैं गरम गरम पानी में, थोड़ा नीम गरम से पानी लेकर आए हैं ताकि चूसे भी पी लें आराम से। इसमें जाके ठंडा ही हो जाएगा वैसे भी, नॉर्मल पानी हम इसको डालते हैं इसमें। चलो पानी तो डल गया, अब हमको ये मुर्गी खोल देते हैं। पहले नीचे वाले को ही पिलाते हैं, देखें कितने शौक से आएगी। मेरे पास में आ गए। चलो 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 जाओ पानी पी लो। चूसे को क्या हुआ है? चलो भाई पानी पियो जाके, चलो पानी पी लेंगे आराम से। चलो भाई शाबाश शाबाश, पानी पियो जाओ। चलो भाई चूसा आगे नहीं जा रहा काले वाला, पर सही है, मुझे लगा ये कुछ हो गया इसको, लेकिन ये सही है अलहमदुलिल्लाह। पानी पी ले फिर हम दूसरी मुर्गियों को निकालेंगे। वो देखो ऊपर से बैठी कैसे देख रही है मुझे। ये बहुत गुस्से वाली मुर्गी है, इसके पास जाओ तो बहुत मारती है। ये जो मुर्गी बैठी हुई है ना अंडों पे, ये इस वाली मुर्गी की बेटी है। ये जो मुर्गी है ये इस वाली मुर्गी की बेटी है। पहले अंडे से निकली थी, पहले ये अंडे नहीं देती थी, लेकिन अचानक इसने कुछ दिन अंडे दिए टूटे हुए, उसके बाद जो है नहीं बैठ गई है कुड़कों के अंडों पर। चले हम फिर इसको पानी पिला लें, फिर हम एक और मुर्गी निकालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बल्ब भी हमारा दूसरे वाला चल गया और इसने पानी भी पी लिया, इसको भी अंदर कर देते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया। ये जो मुर्गी इधर बैठी हुई है ना, ये गई है, इसने उसको जाके हटा दिया। और एक और चीज़ मुझे मिली है यहाँ पे, मैंने क्या देखा कि बत्तखों ने अंडे देखें कहाँ दिए, मैं कितने ज़्यादा अंडे दिए मैं मुझे पता ही नहीं, छुपा के दिए मैं अंडे। इसको मुर्गी हटाते हैं पुष्प पत्ते, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे 5-6 अंडे हैं ये तकरीबन, काफ़ी सारे अंडे हैं। और मुझे पता ही नहीं कि बत्तखें यहाँ पे अंडे दे रही हैं, मैं काफ़ी दिन पहले ढूंढ रहा था लेकिन मुझे लगा कि बत्तखें अंडे देती नहीं हैं। ये देखें क्लोज करके दिखाते हैं थोड़ा आगे जाके, ये रहे देखें कितने सारे अंडे बत्तखों ने दिए हैं। अब इस मुर्गी को अंदर कर देते हैं, इसने पानी पी लिया, इसके बच्चों ने भी काफ़ी पानी पी लिया, खाना मैंने अंदर डाल दिया। अब हम इसको बंद करते हैं, अंदर जाके आराम से अपना खाना खाएगी। अब इस मुर्गी को खोल देते हैं, ये भी आके पानी पी लेगी। चलो भाई आ गया यार, इसका जो काला चूजा है ना ये बड़ा तेज़ है, ये मुझे मारता है पाँव में आके ना, चूचे मारता है। इसको खाना भी डाल देते हैं, इसने अपना बाजरा ख़त्म नहीं किया लेकिन करेंगे बाकी, उधर से खा अंदर से खा लेगी। इसको हम बाकी दाना नया डाल देते हैं, चाचू ले आए हैं दाना काफ़ी ज़्यादा, भरते हैं थोड़ा सा ही डालता हूँ ताकि ज़ाया ना करे। ये हमने डाल दिया इसको दाना, इसके रख देते हैं अंदर, अभी थोड़ा पानी पी ले फिर इसको भी अंदर करते हैं। इसके चूज़ों की पता नहीं ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत छोटे छोटे हैं या शायद ऐसी होती होगी इनकी ग्रोथ, ये भी इंशाल्लाह बड़े हो ही जाएंगे। चलो भाई शाबाश, जल्दी जल्दी पी लो, जल्दी जल्दी पानी पी लो फिर तुम्हें भी अंदर करूँ। अभी मुझे आज ही कुड़क मुर्गियों को भी पानी पिलाना है। वो ऊपर देखें बैठी हुई कैसे देख रही है, गौर से देख रही है बैठी हुई। चलो इसके चूज़े भी जल्दी निकलने वाले हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कितने दिन रह गए क्योंकि मैं डेट भूल गया हूँ जब मैंने इन्हें बिठाया था। शायद इनको हो गए होंगे बैठे हुए 12-13 दिन तो हो ही गए होंगे, 13-14 दिन बस निकलने वाले ही होंगे इनके चूज़े भी। इसको पानी पिला लें फिर ऊपर वाली को ही पिलाते हैं।
उसको हमने बंद कर दिया, अब इसकी बारी है। अब ये आके पानी पिएगी अपने बच्चों के साथ। और मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मेरे से कुछ पकड़ा नहीं जा रहा क्योंकि ना राफे और ना सुफियान। ये देखें, ये तो मुर्गी बिल्कुल पागल है। वो देखें ऊपर बैठी, वो बार बार देख रही है कि मेरी बारी कब आएगी। ये भी पानी पी लें। अब सारी मुर्गियों को पानी मिला के मैं आपसे मिलता हूँ फिर बाद में। ये देखें, ये वाली मुर्गी जो है ना ऊपर अंडों से उतर के खुद ही आ गई है नीचे। अभी अपना खाना पानी कर ले, फिर खुद ही जाके ऊपर बैठ जाएगी, फिर उसके बाद हम नीचे वाली को भी निकाल लेंगे। ये देखें जी, अब दूसरी मुर्गी निकल के आ गई है, ये अपना पानी पी रही है। और वो देखें, वो उड़ कर ऊपर खुद ही चली गई है और एक खाना खा रही है। थोड़ी देर में अंडों पर भी बैठ जाएगी खुद ब खुद। ये पानी पी रही है, नीचे आ गई है, थोड़ा बहुत खाना खाएगी, ये भी पानी पी के जा के बैठ जाएगी। इन दोनों के चूज़े तकरीबन इकट्ठे ही निकलेंगे एक दिन या एक दो दिन के गैप से। और उसके नीचे जो है ना दो बत्तख के अंडे हैं, तो वो मज़ीद सात दिन लेट निकलेंगे। चलें इसको भी अब पिला देते हैं पानी, फिर अंदर करते हैं। ये देखें जी हमारी बकरी, ये बकरी भी हमारी बहुत जल्द इंशाल्लाह बच्चे देने वाली है। बच्चे दे देगी, एक या दो बच्चे देगी, फिर दूध दिया करेगी, फिर इसके बच्चे इसका दूध पियेंगे, हम भी पिया करेंगे। और ये बकरा देखें आ रहा है गुस्से के साथ मुझे देख रहा है। और ये काला बकरा भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। ये देखें, इसको गैस हुई भी थी उस दिन, गैस इसकी अब ठीक है। ये भी बकरा ठीक है और बाकी मुर्गियाँ भी ठीक है। एक मुर्गी है छोटी सी वाइट वाली, वो फिर कहीं छुप गई है, वो बीमार है बस, वो नीचे ही है। वो देखें वो खुरली के नीचे खड़ी है। और ये बकरी हमारी इधर है, और ये बकरियाँ मेरे पीछे पीछे आती रहती हैं। और ये हमारा काला मुर्गा, ये बेचारा अकेला रहता है क्योंकि इसको ब्राउन मुर्गा बहुत मारता है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। आज की वीडियो इतनी थी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।